स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व में इतने छा गए कि उन्हें अलग अलग लोग अपने घर पर बुलाने लगे। बड़े बड़े रईस होशियार लोगों ने उन्हें अपने घर पर बुलाया। एक दिन ऐसे ही एक अमेरिका के रईस आदमी ने उन्हें अपने घर पर बुलाया। उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे विचार व्यक्त कर लिए। सब कुछ होने के बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपने घर में आलीशान बेड के ऊपर आराम करने के लिए बोला। बड़ा गद्देदार मुलायम सा बेड और सुंदर सा कमरा था और उस आदमी ने स्वामी विवेकानंद को बोला, आप यहीं पर आराम कीजिए स्वामी। स्वामी विवेकानंद जी उस बेड के पास गए। उस पर बैठते ही उनके मन में एक विचार आ गया कि मेरी माँ आज भी जमीन पर सो रही होगी। आज भी कम से कम 25 करोड़ भारतीय लोग जमीन पर सो रहे होंगे जिनके पास बहुत कम सुविधाएं हैं। खाने के लिए दो समय का खाना तक नहीं है और उन्हें ऐसी परिस्थिति में छोड़कर यहाँ पर मैं ऐसे आलीशान सुखों को भोग नहीं सकता। और उस दिन वह जमीन पर ही सो गए। ऐसा महान व्यक्तिमत्व रखने वाले स्वामी विवेकानंद के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त।